आज की कथानायक श्री रमेश अग्रवाल जी। और अब समय है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूबरू होने का। बड़े अखलाक के साथ, बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ रिस्क ऑफिसर श्री संजय आठले साहब। स्वागत है संजय जी। थैंक यू सो मच। ये इंस्पायरिंग कहानी। थैंक यू सर। के नायक। सो नाइस टू मीट यू। बैठिए। व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन? आई वाज स्पेल बाउंड। एग्जैक्टली द सेम। आई वाज स्पेल बाउंड टू। I'm so inspired by what he said, really, and salute to you the way you express yourself. इन्होंने एक चीज़ बहुत clearly establish कर दी। There is no shortcut to success. So there is no shortcut to success. बहुत clearly मुझे वो समझ में आया। दूसरा एकदम noteworthy चीज़ जो मैंने देखा वो innovation। इतने type के innovation इन्होंने किए हैं अपने business में। Amazing. तो आज हम मॉडर्न बिजनेसेस में MBA करके लोग आते हैं और इनोवेशन की बात करते हैं या चीफ इनोवेशन ऑफिसर होते हैं कंपनियों में, बट इन्होंने जो जो इनोवेशन किए, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, ट्रक को मॉडिफाई करना या कंटेनर्स वो क्यूब्स लेके आना, मुझे इससे बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशन एक और लगा। पेपर के ऊपर अपने एम्प्लॉयज से, मुझे वो इनोवेशन बहुत अच्छा लगा जो एम्प्लॉय से स्टैम्प पेपर पर साइन करा लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और भी इनोवेशन की बात की, बट इनोवेशन के ऊपर इन्होंने बिना किसी फॉर्मल डिग्री या इसके बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आज ये बिज़नेस इतना बड़ा हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स में एक सुपर स्पेशलाइजेशन हाउस होल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। तो वो सिर्फ क्वालिटी, इनोवेशन, ट्रस्ट इन कस्टमर, ऑनेस्टी, जितनी चीज़ें मैं बोलूँ कम है, वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, ये जिस मकाम पे आज पहुँचे हैं वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करके और बहुत लंबे समय तक काम करके अर्जित किए हैं। निद्रादान क्या है? कॉन्सेप्ट निद्रादान, हमने जब देखा कि मालूम हुआ कि 26,000 लोग इसलिए मरते हैं कि ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं होती। छोटे भाई से बातचीत करी, उसने कहा कि रमेश ये निद्रादान केंद्र खोल ले। मतलब ये क्या होता है? मतलब सोने का केंद्र। जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह दुद्दू जगह है, तो वहाँ पर हमने एक 50 एकड़ का टुकड़ा लिया, 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 नाई की दुकानें, 2 वॉशिंग मशीन, एम्बुलेंस, 250 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी और कहा कि ड्राइवर भाई ये सारी चीज़ आपके लिए फ्री है, मगर एक कंडीशन पे कि मैं 6 घंटे यहाँ सोऊंगा, तब फ्री होगा। जब हमारे वो कोई भी ड्राइवर है उसको मेहमान कहते हैं, हम पाँव धोकर कहते हैं विराजो श्रीमान, ऐसी पद्धति से उनका वेलकम होता है। उनमें जो इन्फिनिटी है वो खत्म हो जाती है, वो हमारा मानना है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अनुरोध करूंगा संजय जी से कि ये मेमेंटो आप रमेश अग्रवाल जी को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच अग्रवाल साहब। थैंक यू सो मच। देखा आपने, विटनेस किया, ये जलवा था, स्पेक्टिकल। आप भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। जरूरत है बस अवसर को पहचानने की। चलने का समय हो गया है, लेकिन कभी कभी जब ऐसे अग्रवाल साहब जैसे लोगों से मुलाकात होती है तो जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी। आज ऐसा ही हुआ इस एपिसोड में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाब। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर।